वेलकम बैक टू माय चैनल आशास किचन। तो आज हम लाए हैं दो बहुत ही कमाल के टिप्स जो आपके किचन में बहुत काम आने वाले हैं और बहुत आपके किचन में जो भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें बिल्कुल आसान कर देने वाली। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरी पहली टिप्स है आलू को लेकर। तो आजकल जो आलू आ रहे हैं, नया आलू आ रहा है, इनमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि बाज़ार से आलू जब भी लाएं तो उन्हें धो के किसी डलिया में रख दें, इसके बाद पानी निचुड़ जाए, इसके बाद में अंदर रख लें और फिर इसके बाद तब इस्तेमाल करें। तो और दूसरी टिप्स है हमारी आलू को छीलने को लेकर कि हम जब भी आलू बॉईल करते हैं तो हम ऐसे ही आलू चढ़ा देते हैं, धो के ऐसे ही चढ़ा देते हैं, तो इनमें कहीं छिकला लगा हुआ है, कहीं मोटा कहीं पतला, कच्चे आलू हैं ये। तो इन्हें जब उबाल के छीलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है छीलने में, ये छीलते नहीं हैं जल्दी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाकू उठाते हैं, आलू लिया और इनका पहले छिलका उतार लिया, ये इस तरह से सारे आलुओं को छिलका उतार लिया। बहुत ही काम की टिप्स है फ्रेंड्स, इसको फॉलो करोगे आपके काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस तरह हम छिलका छील लिया और जो ये सब मतलब छिलका इस तरह से छीलना है हमें कि बिल्कुल रहे ना, और जो भी थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है या जैसे कभी कभी आलू आ जाती है इस तरह की जिसमें ये गुच्ची गुच्चा होता है, तो इनको हटा दें, ये अपने आप हट जाते हैं चाकू से छीलने से हट जाते हैं। तो इसी तरह हम सारे आलू पहले छील लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे आलू छील लिए हैं, ये बढ़िया से छील लिए हैं, कहीं इनमें कुछ भी नहीं लगा है। और अब इनको हम दो तीन पानी से बढ़िया से धुल देते हैं। तो धुल के लाते हैं। तो ये देखिए मैंने दो तीन पानी से धुल दिया है, आलू बिल्कुल साफ़ हो गए, अब कोई इनमें मिट्टी नहीं रही है, कुछ भी नहीं रहा है। तो अब इनको चलते हैं उबालने के लिए। सारे आलू इसमें गए और इसका ढक्कन बंद किया। चढ़ाते ही नहीं गैस पे और पीच की आंच में हम इसको दो सीटी लगा देंगे, इसमें आलू उबल के तैयार हो जाएंगे। दो सीटी आ चुकी हैं, प्रेशर खत्म हो गया है, आलू खोल के देख लेते हैं। आलू हमारे उबल गए हैं, इनको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेरे आलू उबालने का कितना आसान सी टिप्स थी, बहुत ही आसान टिप्स है। और इन्हें हम अगर बनाना है अभी बनाना है तो कोई बात नहीं, और अगर हमें अभी नहीं बनाना है, मान लो शाम को बनाना है या कल सुबह बनाना है, तो इनको हम खुला ना रखें, फ्रिज में खुला रखते हैं तो इनमें लेयर जम जाती है, फिर वो छिलके की तरह निकलती है। तो इसके लिए इस तरह का कोई डब्बा ले लें, या डब्बा ना हो तो किसी कटोरे में रख के इस तरह से रख दें ठंडा होने पर। तो ये हम देखिए इसमें रखे दे रहे हैं कुछ आलू, और कुछ आलू हमें इस्तेमाल करना है। तो ये आलू हमने रख दिया, अब इनको ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा होने के बाद में हम इस तरह का ढक्कन लगा के हम फ्रिज में रख सकते हैं, तो इनमें ऊपरी जो परत जम जाती है वो नहीं जमेगी। तो ये कैसी लगी हमारी आसान सी टिप्स, तो चलते हैं दूसरी टिप्स के बारे में बताने के लिए। तो दूसरी टिप्स है हमारे मोमोज को लेके, जो कि आजकल बच्चों को सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं मोमोज, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है इनको। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप्स लेकर आए हैं। मोमोज घर के खाने हैं, पेट भर के खाने हैं, और हमें बनाना नहीं आता है तो मोमोज कैसे खाएं। बच्चे कहते हैं मम्मी मोमोज बनाओ, लेकिन मोमोज बनाना नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लाए हैं बहुत ही आसान सी टिप्स। तो ये है हमारा मोमोज की फीलिंग। ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इधर मैंने पानी चढ़ा दिया है, गैस को तेज कर देते हैं थोड़ा सा। गेहूं का आटा लिया, मैंने मोमोज की रेसिपी पहले डाल चुकी हूं, इसलिए मैं टिप्स बता रही हूं केवल। तो आप गेहूं के आटा के भी मोमोज बना सकते हैं और मैदे के भी बना सकते हैं। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है फिलहाल तो अभी, और इसको हम बेलेंगे, छोटी छोटी पूड़ियाँ टाइप की बेल लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। तो ये मैंने इस तरह की बेल ली है, ये देखिए। तो इसको रखते हैं हम एक साइड में। दूसरी पूड़ी ली हमने, उसको भी इसी तरह से बेल लेते हैं।
हम चार पांच पूड़ी या पांच छह पूड़ी बेल लेते हैं। इसके बाद हम इनके बनाने का तरीका बताएंगे। तो ये मैंने इतनी पूड़ियाँ बेल ली है, इधर मेरा पानी भी खोलने लगा है, तो गैस को अभी हम स्लो कर देते हैं और अब चलते हैं मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। तो मोमोज जिसे नहीं बनाना आता है पर मोमोज खाना है, तो हम ये देखिए लाए हैं सांचा, जिससे हम गुजिया बनाते हैं ना, वही सांचा है। तो इसको मैंने रखा इस पे, इसको थोड़ा सा पहले डस्ट कर लिया क्योंकि आटा है, चिपकने का डर है थोड़ा सा, तो आटे से मैंने डस्ट कर लिया। और इसको रखते हैं इसमें और अब भरते हैं इसमें स्टफिंग। ये देखिए, आपको जितनी भरनी हो उतनी भर सकते हैं। और इसको आसानी से किया बंद, हमें मोमोज खाने हैं। वो शेप चाहे जैसी भी हो, चाहे गुजिया की हो चाहे मोमोज की हो। और ये देखिए मेरा मोमोज बनके तैयार हो गया, ये देखिए। तो इसको रखते हैं एक प्लेट में, ये रखा। अब दूसरा लिया, पूड़ियाँ हमारी चिपक रही थोड़ा थोड़ा सा, ये दूसरा लिया, इसको भी भर दिया, ये बंद किया। इसी तरह से हम एक और बता देते हैं। ये मैंने लिया सांचा और इसमें भरी फिलिंग, बंद किया। बहुत ही आसान तरीका है मोमोज बनाने का और जल्दी भी। ये और इसके अलावा भी हम एक और बता देते हैं, जैसे हमें नहीं सांचे में बनाना है तो मैंने ये रखा पूड़ी और ये आई इसमें फिलिंग, थोड़ा सा और डाल देते हैं, अच्छे से कर देते हैं। और इसको संभालते हुए इस तरह से फोल्ड किया, ये देखिए फोल्ड कर दिया। और अब इसको हम हाथों से इस तरह से कर देते हैं, ये बन गया। तो इसी तरह से हम सारे मोमोज बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। मोमोज मेरे बन के तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं इनको बफाने के लिए। तो ये मेरा पानी गर्म हो गया मेरा, और इसमें रखते हैं ये जाली, इस तरह की जाली रख देते हैं और इसी में रख देते हैं अपने ये मोमोज। कितना आसान तरीका हमने आप लोगों को बताया। और ये गया और इसमें ढक देते हैं थाली, ये इस तरह से थाली ढक देते हैं और इनको कम से कम 10 से 12 मिनट पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारे गेहूं के आटे के मोमोज बनके तैयार हो गए हैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। तो अब इसमें हम थोड़ा सा भुकनू डालते हैं, अगर मोमोज को भुकनू के साथ में खाएं, थोड़ा सा भुकनू छिड़क लें तो मोमोज का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो ये लीजिए मेरी दूसरी टिप्स। कैसी लगी हमारी टिप्स? जो भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।